एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे पौष्टिकता के बारे में, जिसे इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं। ये हमारे सीरीज़ का फिफ्थ टॉपिक है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे आपको सारे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगी। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम स्किप कर जाते हैं वाइल वॉचिंग वीडियोज़, तो उनको पूरा ज़रूर देखें। चलिए देखते हैं पौष्टिकता के बारे में। ऑल दो दिस इज़ नॉट वेरी ब्रॉड टॉपिक, बट स्टिल वी विल कवर इट वेरी फाइनली, सो दैट वी विल नॉट लूज एनी मार्क इफ एनी क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दिस टॉपिक। सो द टॉपिक इज़ न्यूट्रिशन, जिसे हिंदी में यहाँ पौष्टिकता का नाम दिया गया है। तो पौष्टिकता को हम कनेक्ट कर सकते हैं अपने चार डायमेंशन से, चार आयामों से, कि पौष्टिकता क्या है। पौष्टिकता है एक भोज्य पदार्थ, यानी कि खाना, जो कुछ भी हम खा रहे हैं, जो फूड हम इनटेक कर रहे हैं, जो भी हम ले रहे हैं, वो हमारे सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन हो सकता है। क्योंकि हमने जो कुछ भी खाया वो हमारी बॉडी को इमिडिएटली एनर्जी प्रोवाइड करेगा, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, वो हमारी बॉडी में जाकर हमारे डिफरेंट डिफरेंट नीड्स को फुलफिल करेगा। तो जो हमारा पौष्टिकता है वो हमारे फूड से कनेक्टेड है। नेक्स्ट हमारा आता है डाइट, यानी कि आहार से। फूड तो वो सब कुछ हो गया जो भी हम खाएंगे पिएंगे, आहार वो हो गया जो हम अपनी आवश्यकता के अनुसार लेंगे, यानी कि हमारा जो भी RDA है, हमारे RDA के अनुसार जो हम डाइट लेंगे, हमारे रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस जो होंगे उनके अकॉर्डिंग जो डाइट ली जाती है, वो हमारा आहार होता है, जो कि पर पर्सन उसकी एज, उसकी वर्किंग एबिलिटी, उसकी एनवायरनमेंट, इन सारी चीज़ों को देखते हुए तैयार किया जाता है। तो हमारा जो पौष्टिकता है वो किस किस पर डिपेंड करेगी, इसका कॉन्सेप्ट कंटेन करता है फूड को, डाइट को, फिर थर्ड हमारा आता है हेल्थ को, यानी कि स्वास्थ्य को। पौष्टिकता जो है वो हमारे ये स्वास्थ्य से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड रहती है, क्योंकि हम जो कुछ भी खाते हैं वो सारी ही चीज़ें हमारी बॉडी को अल्टीमेटली एनर्जी या फिर हमारी बॉडी में जाकर स्टोर हो जाती हैं। तो जिससे हमारी बॉडी को ये समझ आता है कि उसे किस तरीके से वर्क करना है, या फिर क्या चीज़ें हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल हैं और कौन सी अनहेल्दी हैं। तो इस तरीके से जो पौष्टिकता है वो उसका थर्ड डायमेंशन होगा हेल्थ। और फोर्थ हम बात कर सकते हैं पौष्टिकता की ग्रोथ से लेकर, कि हमारी बॉडी में जो भी ग्रोथ है, मेंटेनेंस है, प्रोटेक्शन का काम है, वो सारा ही किसके थ्रू हो रहा है, फूड के कारण हो रहा है। जो फूड जो है वो हमें क्या दे रहा है, वो हमें वो पौष्टिकता दे रहा है। तो पौष्टिकता के कारण हमारी बॉडी जो है वो ग्रोथ कर रही है। इस तरीके से ये सारी ही चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं, इसीलिए हम इन सारे ही डायमेंशंस को अपने पौष्टिकता में इंक्लूड कर सकते हैं। फिर आता है एक मेन और इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो हमारे TGT या PGT के एग्जाम में पूछा जा सकता है, कि पोषक विज्ञान के जनक कौन थे। तो पोषक विज्ञान के जनक थे एंटोनी लेवोइजर, इसको आप नाम को याद रखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं विटामिन्स के बारे में। तो विटामिन्स की जो खोज हुई थी वो 20वीं शताब्दी में हुई थी। ये सारी चीज़ें हैं हमारे पोषक पोषण वाले ही कंटेंट में आती हैं, उसी वाले टॉपिक में आती हैं, इसीलिए इनको मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ। फिर आता है कि ऐसी कौन सी संस्थाएं हैं जो कि हमारे पोषण को या फिर हमारे जो डाइट वाला जो एरिया होता है उसको हैंडल करती हैं। तो इसमें आती हैं WHO, FAO और यूनिसेफ। आपको ये क्वेश्चन तीनों ही ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, सो दैट आप इनको ज़रूर लिख लीजिए अपने पास में, आपको आगे ये हेल्प करेंगे। अब फिर आता है इनमें से एक और क्वेश्चन बन सकता है, इन संस्थाओं के नाम के अलावा कि इन नामों के फुल फॉर्म क्या हैं। कि जैसे WHO है, इसका फुल फॉर्म क्या है। WHO का फुल फॉर्म आप सभी को ही पता होगा, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मैंने रिपीट कर रही हूँ, आपको अगर नहीं पता तो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद है FAO, FAO का फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और फिर आता है यूनिसेफ,
यूनिसेफ का जो है काफ़ी ब्रॉडली पूछा जाता है, काफ़ी पूछा गया है इसका फुल फॉर्म, तो इसका है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो ये जो तीन संस्थाएं हैं वो हमारे पौष्टिकता के जो एरिया है उसमें वर्क करती हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसमें हम बात कर रहे हैं वर्गीकरण के बारे में, यानी कि जो हमारी पौष्टिकता है, यानी कि हमारी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हम किन किन बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने थ्री बेसिस पर इनको डिवाइड किया हुआ है। पहला है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स काम करते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें आपको याद रखना है, इसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये तीनों ही हमारे न्यूट्रिएंट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का वर्क करते हैं। फिर उसके बाद आता है बॉडी बिल्डिंग वर्क, यानी कि हमारे शरीर के निर्माण के लिए कौन सी चीज़ें, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स काम करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें आता है आपका प्रोटीन, मिनरल्स एंड वाटर, ये हमारी बॉडी में बॉडी बिल्डिंग का वर्क करते हैं। फिर उसके बाद आता है प्रोटेक्टिव फंक्शंस। प्रोटेक्टिव फंक्शंस यानी कि हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से बचाने का काम कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स करते हैं, ये काम करते हैं विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर्स, वाटर एंड प्रोटीन्स। ये सारे ही न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में प्रोटेक्टिव वर्क करते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर, जिसमें हमने बात की है पौष्टिकता की कौन कौन सी स्थितियां हो सकती हैं, यानी कि आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, हालांकि ये टॉपिक बहुत ब्रॉड नहीं है, इसमें ज़्यादा पूछा नहीं जा सकता, बट स्टिल मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर कवर किया है, जिससे आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तैयारी कर सकें, आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो पौष्टिकता की जो स्थितियाँ हैं, यानी कि कौन कौन सी जो सिचुएशंस होती हैं हमारे पौष्टिकता की, यानी कि हम कब कैसा खाना खा रहे हैं, वो हमारी बॉडी को किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है। पहला होता है हमारा सुपोषण। सुपोषण यानी कि हमारे गुड हेल्थ, जब हम अपना बैलेंस डाइट ले रहे हैं, जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, हमारी एज के अकॉर्डिंग, हमारी वर्क एबिलिटी के अकॉर्डिंग, हमारे जेंडर के अकॉर्डिंग, हमारे जो एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग ही हम जब खा रहे हैं, तो हमारा वो सुपोषण कहलाता है। फिर इसके बाद आता है कुपोषण। कुपोषण यानी कि इसे इंग्लिश में कहते हैं मेल न्यूट्रिशन, सुपोषण को हम इंग्लिश में कहते हैं गुड न्यूट्रिशन। जो हमारा मेल न्यूट्रिशन है उसमें हम अपनी आवश्यकता से कम जब अपनी न्यूट्रिएंट डाइट को लेते हैं, हमारे उसको हम कुपोषण कहते हैं, यानी कि हमारी आवश्यकता है 1200 कैलोरीज की और हम ले केवल रहे हैं 900 कैलोरीज, या फिर हम इवन 1100 कैलोरीज भी ले रहे हैं तो भी हमारा कुपोषण के अंतर्गत आता है। जब हमारे शरीर का वृद्धि विकास अच्छी तरीके से नहीं होता, तो हमारे शरीर में कुछ डिफिशियंसी डिजीज़ेस हो जाती हैं, अल्पता के रोग हो जाते हैं, जिससे कुपोषण होता है। ये जो अल्पता के रोग है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसको हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। फिर हमारा आता है अपर्याप्त आहार। अपर्याप्त आहार को हम कहेंगे अंडर न्यूट्रिशन, यानी कि जब हम अपनी आवश्यकता से कम भोजन लेते हैं, या तो ये हमारा होता है कि गरीबी के कारण हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तब ऐसी स्थिति में जो अपर्याप्त भोजन है या आहार है वो हम लेते हैं, या फिर जब हम अपनी बॉडी को मेंटेन करना चाहते हैं। जो लोग को न्यूट्रिशन के और डाइटिक्स की प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, वो अपने खाने को कम कर देते हैं, तो वो अपना अपर्याप्त आहार लेकर अपनी बॉडी का वेट लूज करते हैं। उसके बाद आता है आवश्यकता से अधिक आहार, यानी कि इसे हम कहते हैं ओवर न्यूट्रिशन। जब आपकी बॉडी आपकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को रिसीव करती है, तब हम ओवर न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आते हैं। इस तरीके से जो हमारा पौष्टिकता है उसकी विभिन्न स्थितियां होती हैं, कि आप कब और किस तरीके से खाना खा रहे हैं, क्या आहार ले रहे हैं, उसके अनुसार आपकी स्थितियां बदलती रहती हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें,
और इसी तरह छोटी छोटी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।